ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে কি এবার সমান্তরাল সমীকরণ? জোট বৈঠকে খার্গের মন্তব্যকে খুশি নয় তৃণমূল। জল্পনা বাড়ালো অভিষেকের একাধিক বৈঠক। অখিলেশের সঙ্গে বৈঠকের পর রাঘব চাট্টাদের সঙ্গেও কথা। যা তক সরকার বনে কা না বনে কা হ্যায়, সরকার মে বহুমত নাই হো তো বহুত লোগোঁ কো খুশ কর কর কে সরকার বনানি হোতি হ্যায়। মুঝে লাগতা হ্যায় ইয়ে খুশ করনে কি জো कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को होने जा रही है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया है तो अच्छी बात है। वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई, ये तो शपथ चलती रहती है। देखिए चुनाव अलग तरीके से होता है और सरकार अलग तरीके से बनती है। सरकार गिनती से बनती है। जो सीटें हमें जीतनी थी, जहां हमें उम्मीद थी, वो सीटें हम नहीं जीत पाए। कई कारण होते हैं उसको, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फरक्काबाद उसमें उदाहरण है। वहां का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए जो सरकार बनेगी वो गिनती से बनेगी। देखिए खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज़ है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हज़ारों में कर दी है, पुणे लाखों में भर्ती होनी चाहिए जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और देश की सीमा की रक्षा भी जा सके।